हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोशियोनॉमिक्स कंप्लीट गाइड फॉर सोसाइंस। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अभी क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ा रहा हूँ और इस चैप्टर का नाम है ड्रेनेज। बच्चों, मैंने इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने आपको बेसिक टर्म्स ड्रेनेज चैप्टर के एक्सप्लेन किए हैं सिंपलेस्ट मैनर में, और साथ में मैंने हिमालयन रिवर्स के भी बारे में एक्सप्लेन किया है सिंपलेस्ट मैनर में। तो बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहे, मैं मोटिवेटेड फील करूं और आपके लिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस को अपलोड करते रहो। तो बच्चों, आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप आज के लेक्चर को पूरा अंतिम तक देखिएगा। और आज का जो लेक्चर है वो पेनिनसुलर रिवर्स के ऊपर है। तो बच्चों, आपका एजुकेटर चंदन सर आज इस लेक्चर को शुरू करने जा रहे हैं आज के मोटिवेशनल कोट के साथ। और आज का मोटिवेशनल कोट है बच्चों, अ क्रिएटिव मैन इज मोटिवेटेड बाय द डिजायर टू अचीव, नॉट बाय डिजायर टू बीट अदर्स। इसका अर्थ ये बच्चों कि एक रचनात्मक व्यक्ति प्रेरित होता है कुछ पाने की इच्छा से, ना कि दूसरे को हराने की इच्छा से। तो बच्चों, आपको भी जीवन में रचनात्मक व्यक्ति बनना है और जीवन में सफलता को अर्जित करना है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आइए अब हम लोग देखते हैं पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। तो बच्चों, आज हम लोग पेनिनसुलर रिवर्स जो पढ़ने वाले हैं वो है नर्मदा रिवर, तापी रिवर, गोदावरी रिवर, और उसके बाद हम लोग कृष्णा रिवर और कावेरी रिवर। तो बच्चों, एक एक करके सभी पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा और आप सभी रिवर्स के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पेनिनसुलर रिवर्स कहते किसे हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए बच्चों कि पेनिनसुलर रिवर्स वो रिवर्स होते हैं जो पेनिनसुलर इंडिया से ओरिजिनेट होते हैं। अभी जो पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं इन्हें सीजनल रिवर्स भी कहा जाता है। पेनिनसुलर रिवर्स का जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो चेंज होते रहता है सीजनल चेंजेस के कारण। रेनी सीजन में जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है पेनिनसुलर रिवर्स में वो बढ़ जाते हैं, और ड्राई सीजन में वॉल्यूम ऑफ वाटर पेनिनसुलर रिवर्स के कम हो जाते हैं। पेनिनसुलर रिवर्स का जो कोर्स होता है वह कम होता है हिमालयन रिवर्स की तुलना में, और पेनिनसुलर रिवर्स जनरली अपने माउथ में एश्चुरी का फॉर्मेशन करते हैं। बच्चों, पेनिनसुलर रिवर्स को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। कुछ पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, और कुछ पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो जैसे आप देखिएगा कि नर्मदा और तापी ये वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सभी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। आपको बच्चों मैंने पहले ही बताया है कि इंडिया में ज्यादातर रिवर्स फॉल होते हैं बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि इंडियन पेनिनसुला का जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है वो थोड़ा झुका हुआ है, इस वजह से रिवर्स को नेचुरल स्लोप मिलता है साउथ ईस्टर्न पार्ट में, और ज्यादातर रिवर्स इसी कारण से बे ऑफ बंगाल में फॉल करता है, जिसे हम लोग ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग नर्मदा रिवर के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों, नर्मदा रिवर को मध्य प्रदेश का लाइफ लाइन कहा जाता है। नर्मदा रिवर का जो टोटल लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली 1300 किलोमीटर है। नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होता है अमरकंटक माउंटेन रेंज से। नर्मदा रिवर लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुला इंडिया का, और नर्मदा रिवर का जो दूसरा नाम है वह रीवा रिवर है। दूधी रिवर, तावा रिवर ये सभी सहायक नदियां हैं नर्मदा रिवर की, और जो नर्मदा रिवर है वह पास करता है
गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से। इसका अर्थ ये बच्चों कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य है जहाँ पे नर्मदा रिवर एक्चुअली फ्लो करता है। नर्मदा रिवर के ऊपर डैम बनाए गए हैं और दो जो प्रमुख डैम है नर्मदा रिवर के ऊपर उनका नाम है सरदार सरोवर डैम और इंदिरा गांधी सागर डैम। बच्चों नर्मदा रिवर के ऊपर जो सरदार सरोवर डैम बनाया गया था इसके ऊपर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था और एक जन आंदोलन चला था जिसका नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो बच्चों नर्मदा रिवर जो है वो इंड होता है अरेबियन सी में। नेक्स्ट जो रिवर है वो भी एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और इस रिवर का नाम है तापी रिवर। तापी रिवर नर्मदा रिवर के पैरेलल फ्लो करती है और ये नदी भी नर्मदा रिवर की तरह अरेबियन सी में इंड होती है। तापी रिवर का जो टोटल लेंथ है वो है अप्रोक्सीमेटली 724 किलोमीटर। तापी रिवर ओरिजिनेट होती है सतपुरा माउंटेन रेंज से। पूर्णा रिवर, गिरना रिवर, बोरी रिवर ये सहायक नदियां हैं तापी रिवर की। और आप देखिएगा बच्चों कि जो तापी रिवर है वो फ्लो करती है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से। तापी रिवर के ऊपर भी डैम है और इस डैम का नाम है काकड़ा पार डैम, उकाई डैम। तापी रिवर जो है वह नर्मदा रिवर से लेंथ में कम है और तापी रिवर के बगल में जो है एक फेमस सिटी बसा हुआ है और इस सिटी का नाम है सूरत। तो बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि नर्मदा और तापी रिवर जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है पेनिनसुलर इंडिया की, इसके बारे में जो भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए अब हम लोग कुछ और पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में जानते हैं। गोदावरी रिवर, अभी ये जो गोदावरी रिवर है बच्चों इसका जो टोटल लेंथ है वो है 1500 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। गोदावरी रिवर ओरिजिनेट होता है त्र्यंबकेश्वर से जो कि नासिक के पास है और नासिक महाराष्ट्र में है। गोदावरी रिवर लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है इंडिया का। गोदावरी रिवर के जो सहायक नदियां हैं उनका नाम है पूर्णा रिवर, पेन गंगा रिवर, वर्धा रिवर, इंद्रावती रिवर। गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। गोदावरी रिवर जो है वो लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है और जो गोदावरी रिवर है वो धार्मिक मान्यता है। गोदावरी रिवर से जुड़ी हुई बहुत सारी, गोदावरी रिवर के बैंक पर कुंभ मेला का भी आयोजन होता है और इसीलिए गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी रिवर फ्लो करती है मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से। गोदावरी रिवर के ऊपर एक परियोजना है उसका नाम है श्री राम सागर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट जो रिवर है बच्चों उसका नाम है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर का जो टोटल लेंथ है वो है 1400 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। कृष्णा रिवर ओरिजिनेट होता है महाबलेश्वर से जो कि महाराष्ट्र में है। मूसी रिवर, भीमा रिवर, वरना रिवर ये कुछ सहायक नदियां हैं कृष्णा रिवर की। कृष्णा रिवर फ्लो करता है महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से। कृष्णा रिवर के ऊपर एक बहुत ही प्रसिद्ध डैम है और इस डैम का नाम है नागार्जुन सागर डैम। तो बच्चों कृष्णा रिवर, गोदावरी रिवर ये दोनों ईस्ट फ्लोइंग रिवर है और जो कृष्णा और गोदावरी रिवर है ये दोनों इंड होती है बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट जो रिवर, तो आप देखिएगा बच्चों कि जो कावेरी रिवर है उसका जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली 760 किलोमीटर है। कावेरी रिवर ब्रह्मगिरी हिल से शुरू होती है
और ब्रह्मगिरी हिल वेस्टर्न घाट में मौजूद है। बच्चों आप देखिएगा हेमावती, अमरावती, भवानी, ये सभी सहायक नदियां हैं कावेरी रिवर की। कावेरी रिवर फ्लो करती है तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और पुडुचेरी से। कावेरी रिवर के ऊपर एक फेमस डैम है और इस डैम का नाम है डिमिटूर डैम। तो बच्चों आप देखिएगा कि जो कावेरी रिवर है उससे जुड़ा हुआ विवाद हमारे देश में बहुत समय से बना हुआ है। जब से ब्रिटिश रूल हमारे देश में रहा है तभी से कावेरी वाटर डिस्प्यूट हमारे देश में रहा है। अभी ये जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट है वह जुड़ा हुआ है कावेरी वाटर के शेयरिंग से, और ये जो कावेरी जल विवाद है वो दो राज्यों के बीच में है, और ये दो राज्य है कर्नाटका और तमिलनाडु। कावेरी जल विवाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और कावेरी जल विवाद जो है अभी तक कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में सुलझ नहीं पाया है। तो बच्चों हमारे देश में रिवर से जुड़ी हुई विवाद हमेशा से ही बनी रहती है। हाल ही में यमुना नदी के वाटर को शेयर करने के लिए विवाद सामने आया था दिल्ली और हरियाणा के बीच में, और जो भी नदियों से जुड़ी विवाद है उसको सुलझाने के लिए हमारे देश में जल शक्ति मिनिस्ट्री बनाया गया है। जल शक्ति मिनिस्ट्री का काम है कि जो भी नदियों से जुड़ी हुई विवाद है उसको सुलझाना, और साथ में नदियों की साफ सफाई और नदियों के रखरखाव के ऊपर पूरी तरीके से योजना बना करके उसका विकास करना। तो बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो भी पेनिनसुला रिवर्स के बारे में मैंने आपको बताया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए इसी तरीके से मैं मेहनत करके नए नए वीडियोस को अपलोड करूं, तो आप सोशियोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, और आपका जो तैयारी है उसका पूरा जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा बच्चों कि आपको सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और आप जो है वो लगातार यदि मेरे वीडियोस को देखोगे, इसे समझोगे, तो आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। तो बच्चों आपके एजुकेटर चंदन सर इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद कहते हैं, और अगला जो लेक्चर होगा इस चैप्टर के ऊपर वह इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें मैं आपको जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं ड्रेनेज चैप्टर के उसके बारे में बताऊंगा।